ये रहा भाई फर्स्ट लुक अपनी गाड़ी का सामने से, क्या बात है। सबसे पहला जो आपको काम करना है ना, जब भी आप गाड़ी के लिए पीडीआई के लिए आओगे, उनसे पूछो हमारा विन नंबर बताओ इसका क्या है। तो भाई पहली बार अपनी गाड़ी में बैठूंगा मैं, अभी तक मैं सारी स्कॉर्पियो दूसरी में बैठा, अपनी गाड़ी में। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को subscribe करना ना भूलें। तो भाई finally वो दिन आ गया है जब हम अपनी Scorpio NZ6 को देखेंगे पहली बार। इतनी excitement हो रही है यार, इतने time से wait कर रहा है, मतलब 10 महीने हो गए wait करते हैं और आज हम finally उसको देखने वाले हैं अपने सामने। क्यों? क्योंकि आज हमारा पीडीआई, अब अभी तक देख चुके होंगे कैप्शन से मतलब जो मैंने टाइटल डाला है कि आज हम पीडीआई के लिए जा रहे हैं अपनी गाड़ी का। तो देखते हैं हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है महिंद्रा के साथ। आई होप स्मूथ ही रहना चाहिए, कुछ मैंने लोगों से क्योंकि सुना है कि थोड़ा किसी का इधर उधर हो जाता है एक्सपीरियंस, बट देखते हैं अपना क्या रहता है। मैं सारी वो चीज़ें बताऊंगा जो पीडीआई में आप लोगों को करनी चाहिए, मैं भी करके देखूंगा, तो आप इस ब्लॉग में वो सब देखने वाले हो। एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे ऑन रोड कितने की पड़ रही है महिंद्रा स्कॉर्पियो NZ6 इन गुड़गांव, मतलब हरियाणा वाला जो कॉस्ट है, प्रॉपर जो मेरे को उन्होंने ब्रेकअप दिया है, वो आपको शीट दिखा के एक एक करके बात करेंगे कि क्या क्या आपकी गाड़ी में लगता है एक्स शोरूम के बाद और कितने की आपको पड़ जाएगी ऑन रोड। इंट्रोडक्टरी प्राइस पर है जिनकी। तो भाई हमें जाने ओखला वाले शोरूम पे जो कॉन्सेप्ट महिंद्रा का, एक घंटा दिखा रहा है अभी और ऑलमोस्ट 3:15 बजे हम निकल रहे हैं अपने पीडीआई के लिए। भैया को भी साथ ही लेके जा रहे हैं क्योंकि भैया भी गाड़ी देख लेंगे आज और इनको तो दिखाई देते हैं। चलो मना वैसे तो मना कर रहा था इनका, लेकिन जबरदस्ती आ गए कि मैं भी देखूंगा, कैसे जा सकता मैं भी देखूंगा, तो मैंने कहा चलो देख लो, इतनी जिद कर रहे हो तो चेक कर सकता है। नहीं ये मजाक कर रहा हूँ वैसे, हाँ जाके चेक करते हैं फटाफट अपनी गाड़ी, एक घंटा लेकिन लगेगा। पहले मुझे लगा कि हमारी ही गाड़ी खड़ी है, फिर देखा नहीं इसमें तो अलॉयज हैं, तो ये Z6 नहीं हो सकती। लेट्स सी, महिंद्रा आ गए हैं, हम चल के देखते हैं क्या सीन है। कैसा लग रहा है? रेड अच्छा लग रहा है, रेड भी बट इन लाइट्स में अच्छा लगता है, मुझे पता नहीं, मेरे को ब्लैक के आगे कुछ समझ नहीं आता वैसे। ये रही अपनी चाबी और ये रही अपनी गाड़ी, फर्स्ट लुक, क्या बात है। अपोलो टायर है अभी, इसमें व्हील कैप नहीं लगा हुआ, Z6 में अलॉय नहीं आता, तो ये व्हील कैप के साथ मिलेगा, तो इसको हम अलॉय तो लगवा ही लेंगे। ये रहा भाई फर्स्ट लुक अपनी गाड़ी का सामने से, क्या बात है। और भाई पीछे से एरिया में लुक आप सबने देख तो रखा ही है, बट देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब पीडीआई कर रहे हो, पहले सबसे पहले अपनी हर तरफ से घूम के गाड़ी देख लो कि कहीं पे कोई स्क्रैच तो नहीं है, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले मैं वो खुद चेक कर लेता हूँ फिर देखते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा तो उन्होंने साफ वगैरह कराया ही है, और बाद में आपको बताइए जब इसको PPF वगैरह सब कराना है, चमक जाएगी और ज़्यादा। रवि भाई क्या लग रही है ना यार, फाइनली उन्होंने इतने टाइम से वेट था और आज मेरे सामने खड़ी हुई है ये गाड़ी, यार मतलब यकीन ही नहीं हो रहा, मतलब प्रॉपर जगह इसमें अगर आपने अपने बैग जैसे सीधे रख लिए ना, तो उसके ऊपर फिर जगह बनती है और चीज़ें रखने की, तो वो पूरा रख सकते हो, फिर ये उस तरह से सपोर्ट बनता है ना, यहाँ तक बैग आ गया और पूरा आ जाता है। ये खोल के देख लो, हाइड्रोलिक पूरा खुल रहा है ना, एक बार छोड़ दो उसको, अटकर करना हाइड्रोलिक, बस ठीक है, हाइड्रोलिक भी सही है, बंद कर दो, एक बार थर्ड सुनने दो उसका, बंद करो, अरे बंद तो करो, ये कैसे बंद करा, सही से बंद करो, थर्ड नहीं सुनने दे रहे, हाँ मतलब आवाज़ भी ना थर्ड की ज़रूर सुना करो यार, जब भी पीडीआई करो हर दरवाजे की, कि एकदम ना उसकी आवाज़ आनी चाहिए जो एक सॉलिड आवाज़ आती है ना, हाँ ये थर्ड आना चाहिए, ये वाला, वो जो एक गंदा सा थर्ड आता है ना, वो नहीं भाई, प्रॉपर दरवाजे होने चाहिए थर्ड वाले। और भाई ऑब्वियसली इसमें गाड़ी देखे ये नहीं आएगा फॉग लैम्प जो आफ्टर मार्केट लगवाएंगे, ये बहुत भारी होगा भाई, ये थोड़ा ध्यान से, ये इसमें हाइड्रोलिक नहीं है, अब ये हाथों से होगा, हाँ वो साइड से लगेगा, वरना इस पर बेंच प्रेस मारो और शोल्डर बनाओ अच्छी तरह, बहुत भारी है ये। हाँ भाई ये चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ तो भाई अपना चेसी नंबर नोट कर लो। सबसे पहला जो आपको काम करना है ना, जब भी आप गाड़ी के लिए पीडीआई के लिए आओगे, उनसे पूछो हमारा विन नंबर बताओ इसका क्या है, जो ऑथेंटिक नंबर होता है आपके चेसी पर, तो वो नंबर नोट कर लो, और उसके बाद आपको जब डिलीवरी लेनी है तो वही नंबर चेक करना है, ताकि वही गाड़ी आपको डिलीवरी में मिले जो आपने पीडीआई करके गए हो जिसका। एक बार ये भैया खुलेगा ना इसका बैटरी का, नहीं एक बार देख देना, रस्टेड ना हो बस, कहीं बैटरी पे रस्ट भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल, एक बार ना इनके वो भी चेक कर लो जितने, ये सब में गैप ना आए ज़्यादा कहीं, मतलब इवन होने चाहिए गैप ना सारे पैनल्स के आपके, ये कभी भी इसमें ज़्यादा नहीं होने चाहिए, होता ना कहीं ऊपर हो गया कहीं नीचे हो गया, वो चीज़ नहीं करनी, एकदम सिमेट्री आनी चाहिए प्रॉपर। चलो अब अंदर चलें एक बार। अरे वाह, तो भाई पहली बार अपनी गाड़ी में बैठूंगा मैं, अभी तक मैं सारी स्कॉर्पियो दूसरी में बैठा, अपनी गाड़ी में
आ जाओ अपनी गाड़ी में, फर्स्ट टाइम। अभी तक हम जितनी स्कॉर्पियोज में जाके बैठे हैं दूसरी हैं, ये पहली बार अपनी। और ये जो डब्बा पड़ा है ना, ये व्हील कैप्स का होगा जो बाद में लगेंगे डिलीवरी के टाइम पे। क्या बात है भाई, फर्स्ट टाइम अपनी स्कॉर्पियन स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि ये Z6 है तो इसमें कीलेस एंट्री भी नहीं है और पुश स्टार्ट बटन भी नहीं है, तो एक बार स्टार्ट करें गाड़ी अपनी। फर्स्ट टाइम, क्या बात है यार, सारे कंट्रोल्स है हमारे पास यार। ये आपने सामान रहने का भी कर लिया। अरे वार्निंग भी देती है, लो फ्यूल कह रही है आंटी, वही करेंगे। अच्छा इसमें एड्रेनोक्स है ना, हाँ तो ये सारा इसमें बताएगी। एक बार इसका टच वगैरह, अच्छी फील है टच की। देखो ये इनका इनबिल्ट नेविगेशन है, क्योंकि इसमें हमारा ना वायरलेस है, एप्पल कारप्ले भी और एंड्रॉयड ऑटो भी, तो जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो हमारे गूगल मैप्स नॉर्मली चलेंगे। अभी इसका अपना इनबिल्ट है, बट वो कनेक्ट करने के बाद अपना हम प्रॉपर गूगल मैप्स चलाएंगे। ये मैं भाई अभी हटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बाद में हम सारे इसको अनकवर करेंगे, क्योंकि मैं एक और वीडियो जब प्रॉपर बनाऊंगा ना इसके सारे फीचर्स और उसकी, तब मैं ये हटाऊंगा। ये अभी नहीं हटाने वाला डिलीवरी तक, यार कुछ तो नयापन रहना चाहिए ना। एसी भी तो चेक करना ही है ना एक बार ज़रा प्रॉपर तरीके से। एसी भी बढ़िया आ रहा है एकदम। अच्छा इसमें ना ये हार्ड टॉप होता है, और इन्होंने वैसे जो है इसमें ये दे तो रखा है ये, जबकि ये नकली स्टिचिंग होती है। ये एक्चुअली टॉप मॉडल में आता है आपका लेदर अपॉल्स्ट्री वाला, बट इसमें ये लेदर अपॉल्स्ट्री वाला नहीं होता। अब इसके एसी भी पूरा करके देख लेते हैं एक बार हर उस पर। ठीक है, एसी भी चेक हो गया, पीछे वाला भी कर लो एक बार। अरे बढ़िया। और बहुत सारे लोग हैं जो Z6 इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि इसमें आती है आपके पास सनरूफ, और भाई लीक नहीं होती ये वैसे बता दूं। चलो भाई सनरूफ खोल के देख लो एक बार फिर भी। सही, बड़ी सनरूफ है यार। सही है, बड़ी है सनरूफ। एक बार इसको खुलती कहाँ से, हाँ खुल गई। और सनरूफ बढ़िया एकदम यार, बहुत ज़्यादा जगह है सनरूफ में, तो बहुत ज़्यादा है। कितने दिन बाद बैठे इतनी ऊंची गाड़ी में यार। यही तो होता है, तो इतनी ऊंची गाड़ी में हम स्टॉर्म के बाद अब बैठ रहे हैं, अभी तक हम नीचे। और इसका फेदर टच स्टीयरिंग है यार एकदम इतना, और क्लच इतना सॉफ्ट नई गाड़ी का जैसा को पता ही है ना होता है, तो मजा ही आ गया यार एकदम। मतलब निकलने का मेरा अभी ले चलूं। अरे मैं अभी ले जाऊंगा इनको। बट अच्छी बात है कि इसमें सारा हमारा यार, हमारा हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह सब कुछ है इसमें चल रहा है, ये भी ठीक है। और ये रहे अपने ड्राइव मोड्स, यहाँ से आते हैं ये। जैसे आप ड्राइव मोड्स में आओगे तो इसमें आ जाता है आपका, अब ये मुझे भी नहीं अभी पता कैसे चलता है, ये मैं सारा फिगर आउट एक बार कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप जब आओगे अपना इंफोटेनमेंट वगैरह सब चेक कर लो, और ये सब देख लेना सब चीज़ें चल रही हो। मैं भी एक बार ये चेक कर लेता हूँ और उसके बाद देखता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। दूसरी चीज़ भाई, अपने सारे शीशे करके देख लो, पूरे नीचे आने चाहिए। कई बार क्या होता है ना, ये जैम होने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी चल के आती है ना एक्चुअली दूसरी जगहों से। और दूसरी चीज़ है, मैं एक और चीज़ चेक करना भूल गया जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोबारा ऑन करना पड़ेगा मुझे इसके लिए। इस ये चली कितनी हुई है मुझे वो देखना है। हाँ अगर आप देखोगे अब ध्यान से, 90 किलोमीटर चली हुई है। और ये अगर आपका 100 से ऊपर चला जाता है ना, 100 तक नॉर्मल माना जाता है, ये आपका 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब कि गाड़ी ज़्यादा चली हुई है। और उससे ज़्यादा है तो आप सोच लो बहुत ज़्यादा भगाई हुई है कहीं पर, क्योंकि यूजुअली जब उतरती है और वहाँ से शोरूम तक का जो डिस्टेंस होता है, ये दो तीन आपके मिलाकर अराउंड 50-100 के बीच में रहना चाहिए। तो मेरा 90 है, तो दैट्स ओके। और अभी इसकी एवरेज देखो 9.3 दिखा रहा है, क्योंकि ये भैया भगा के लाए होंगे मस्त एकदम जूम मोड में, और हम तो इसको जैप में रखेंगे। 2 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, तो बंद करते हैं। तो भाई आपको बहुत जल्दी अब ऐसे व्लॉगिंग देखने को मिलने वाली है, और मेरे को इतना स्पेस मिलने वाला आगे जो मुझे क्रूज में स्पेस नहीं मिलता था, बस और कोई दिक्कत नहीं थी मुझे उसमें। और अब चलते हैं यार, मैंने अपनी तरफ से पूरा PDI कर लिया है, अब इसको आके बस लेना है, ठीक है। मुझे मन नहीं कर रहा उतरने का, बट जाना तो पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं ना, लेते हैं वापस आगे से जल्दी से। और अब मुझे पहले ही उसमें प्यार हो गया, आपको हो गया? ओह यस, है ना, ब्यूटीफुल, बहुत मजेदार गाड़ी। इतने दिनों बाद ऊपर बैठ के इतना रिलैक्स हो रहा है ना, है ना, उतरने में चढ़ने में मुझे बहुत आसानी हो रही है उसमें, तो मेरे को 2-3 सेकंड लगते हैं काम उठा के रखने में। तो आते हैं यार, और उसके बाद इसके काम जो कराने हैं वो भी शुरू करते हैं, और अभी पहले निकलते हैं फटाफट। और हाँ, अभी अपने व्लॉग खत्म नहीं करना है आपको, जाके मैंने अभी यही बताना है कि मुझे कितने की ये गाड़ी पड़ रही है, और उसका पूरा ब्रेकअप मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। चलो भाई, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो जरा बाकी कंप्लीट करता हूँ पहले मैं, फिर निकलेंगे आराम से, कुछ पैसे भी देने हैं इनके। चलो भाई चलें घर, अब हो गया अपना काम यहाँ का। ये खड़ी सामने अपनी गाड़ी, इसकी साथीदार अपनी ये वाली गाड़ी भी अकेली पड़ गई थी जब से स्टॉर्म गई ना,
अभी इसकी दोबारा से एक साथी आने वाला है वापस। क्या लग रही है यार, मजा आ गया ना। और PDA के टाइम पे यार एक चीज याद रखनी होती है कि जो आप भी आप PDA करोगे ना, तो आपको ये ज्यादातर बोलेंगे कि नीचे गाड़ी खड़ी है वहाँ पे चल के दिखा देते हैं। दो मेरे यहाँ पर इन्होंने नहीं करा, महिंद्रा ने भी ऐसा, और आपको हमेशा यही करना है कि गाड़ी बाहर मंगवानी है कि धूप में हम चेक करेंगे, उसी के बाद आपको स्क्रैचेस पता चलते हैं। नीचे जाके कभी चेक मत करना, जैसे इन्होंने पहले से ही बाहर खड़ी कर रखी थी, तो इनके साथ मुझे काफ़ी स्मूथ प्रोसेस रहता है। प्लस शूट करने से ही मना नहीं करा, क्योंकि कई बार महिंद्रा वाले देखा होगा आपने वीडियोस में, शूट को काफ़ी ज़्यादा मना करने लग जाते हैं। सो इस वे में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और कूल गोइंग है ये वाला जो कॉन्सेप्ट महिंद्रा है ओखला वाला अपना। तो भाई घर आ गया हूँ मैं, और मैंने सोचा कि पहले ना आपको फटाफट एक बार बता दूँ जो मैंने आपको वादा करा था कि आपको मैं ब्रेकअप बता दूंगा इसका सारा। ब्रेकअप मतलब अभी तो मेरा पैचअप हो रहा है गाड़ी से, है ना, बहुत गंदा था बट ठीक है, दिमाग में आया तो बोल दिया मैंने। तो मैं आपको एक बार इसका बता देता हूँ सारा जो मुझे लिस्ट उन्होंने भेजी है, और उसका साथ साथ आपको पता चल जाएगा अगर आप Z6 ले रहे हो तो कितने की पड़ेगी। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये इंट्रोडक्टरी पे बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी है वो 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में महंगी ऑलरेडी हो चुकी है। तो जिनके इंट्रोडक्टरी ऑफर में नहीं थी और डेट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मिलेगी तो आपकी और ज़्यादा महंगी हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना। तो यार अभी जो आप देख रहे हो ये मेरा बिल है स्कॉर्पियो Z6 का, जो कि मैनुअल वेरियंट है और ब्लैक है, और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो ऑलमोस्ट 15 लाख रुपये है। और इसके बाद अगर आप इंश्योरेंस जोड़ोगे, जो कि मेरी 1 लाख से ऊपर की इंश्योरेंस है, बट देन उन्होंने मुझे उस पर 30,000 का डिस्काउंट दे दिया था, तो वो ऑलमोस्ट 70,000 की इंश्योरेंस पड़ गई। बाकी आपका रजिस्ट्रेशन इस पर मेरा पड़ गया 2 लाख के ऊपर का रजिस्ट्रेशन पड़ा है, और TCS 1% आपका होता है वो हो गया 15,000 का, 16,000 का आपका हो गया इन्वायरमेंटल टैक्स जो आजकल मैंडेटरी है लगना, बाकी फास्ट टैग लग के आएगा जो कि 300 रुपये का होगा। अब एक्सेसरीज पे मैं इसके बाद आता हूँ, बट पहले आप देख लो एक्सटेंडेड वारंटी है जो 37,892 की एक्सटेंडेड वारंटी मैंने इस पे ले ली है। अब क्या होता है, आपको महिंद्रा जो वारंटी देता है वो होता है 3 साल की, बट एक्सटेंड कराने के बाद आपकी वो 5 साल की हो जाती है, तो 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मेरी अब हो चुकी है। जैसे मैंने बोला 30,000 का मुझे उन्होंने डिस्काउंट भी दे दिया है, तो मेरे को ये टोटल पड़ रहा था 18,72,169। बट जो मैंने बोला आपको एक्सेसरीज वाला पॉइंट, ये देखो इन्होंने पहले से लगा के दिया होता है, तो यार अगर आपको एक्सेसरीज नहीं चाहिए ना, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इनसे एक्सेसरीज लेनी है। मैंने भी जाके ये हटवा दी, आप चाहो तो इनसे कुछ ले सकते हो, जैसे अगर आपको अपना मैट्स लेना है, मड फ्लैप लेना है, कुछ भी वो ले सकते हो, बट मैंने कहा नहीं, मैं सब बाहर से लाऊंगा, क्योंकि फ्रैंकली जो इनके यहाँ पे एक्सेसरीज के रेट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। आई ऑल्सो सजेस्ट कि आप मत लेना, ये सब आप बाहर से लाओगे तो आपको ये सारे पैसे बच जाते हैं। इतनी 25,000 की एक्सेसरीज मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, मुझे तो नहीं है इनफैक्ट। तो ये रहा भाई सारा बिल आपके सामने, मैंने सारा खोल के रख दिया है, कोई छुपाने वाली इसमें बात नहीं है। तो ये है मेरा इंट्रोडक्टरी ऑफर में स्कॉर्पियो Z6 मैनुअल का हरियाणा में जो बिल कटा है मेरा, वो ये है गुड़गांव के हिसाब से। बाकी मैंने उनसे ना वहाँ पे ये भी पूछ लिया था कि Z8 का क्या सीन है, उन्होंने कहा कि उसके भी एलोकेशन शुरू हो गई है, तो जिन्होंने Z8 बुक करा रखी है उनको भी भाई जल्दी मिलने वाली होगी, तो आपका नंबर भी आ जाएगा आप जल्दी। Z2 की अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन एज सच है नहीं, तो वो नहीं मुझे पता कब आने वाला है वेरिएंट, बट कह रहे थे शायद जल्दी आ ही जाएगा। प्लस आपको और भी कोई क्वेश्चन हो और कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो, चाहिए होना चाहिए या ये पता कराना चाहिए, तो मुझे एक बार कॉमेंट्स में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा डिलीवरी के टाइम जाके आपसे वो वाले क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछ लूँ और आपको उसका शायद आंसर मिल पाए। आजा 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 ये भी आ गई भैया, गाड़ी इसके नाम पे है तो मुझे बहुत प्यार से बात करनी पड़ेगी, ऐसे मतलब मैं नहीं कर सकता। आज वॉफल खा सकते हैं मतलब, बात तो आज तो बनती है, थोड़ी पार्टी बनती है, बट मैं सच बता रहा हूँ अभी आप जो व्लॉग देख रहे हो ना, फ्राइडे है और सैटरडे हमारी डिलीवरी लेने जाना है, बट अभी जो मैं जब शूट कर रहा हूँ तो आज थर्सडे अभी शाम रात टाइप हो रही है, रात नहीं शाम ही हो रही है। कितना कंफ्यूजन कर दिया, थर्सडे फ्राइडे कल आज। अरे यार समझ गए हैं जो समझने वाले हमारे लोग हैं कि आज थर्सडे है, बट देन आप ये ब्लॉग फ्राइडे देख रहे हो, तो बट जो भी है फ्राइडे नाइट नींद नहीं आने की भाई, मैं बता रहा हूँ मैं सोने नहीं वाला, क्योंकि जल्दी जाके हमने डिलीवरी लेनी है और वो रुका ही नहीं जा रहा। प्लस आपने ना उसके बारे में एक नाम भी सोचा है स्कॉर्पियो के बारे में, बट आपका भी सजेशन है ना बता देना एक बार नाम के बारे में, और हमने तो सोचा है वरना फिर हम वही रखेंगे और आपको रिवील कर देंगे सैटरडे को ही नाम जब हम डिलीवरी लेने जा रहे हैं, ठीक है। फिर सपोर्ट करते रहना माइल चेजर्स को, जैसी गाड़ी आएगी तगड़े ट्रिप प्लान है ऑलरेडी, मैं बता दूँ आपको। देखो जांस्कार प्लान है, मैं सोचा नहीं बताऊंगा लेकिन आपको बता दिया, चलो जांस्कार जाने वाले हैं जल्दी उससे हम, तो तभी कह रहा हूँ सब्सक्राइब करके रख लेना, तगड़ी तगड़ी वीडियोस आने वाली हैं, बट उस पर पहले हमारे को उस पर काफ़ी सारा काम कराना है, बट वो सब मैं व्लॉग्स अलग से बनाऊंगा। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं।